Hi everyone, welcome to the second part of the chapter Portfolio Management Overview. So last time jo humne discussion ki thi, that was about correlation, and generally lower the correlation, better the diversification benefit, better the diversification benefit, lower the risk, but along with low risk we get a lower return. So we have to actually strike off a balance between risk and return. But one thing that we didn't discuss, and I think it should be taken care of, so that's a little tricky to understand. That's why I've taken it to the second part. That is market turmoil. Market turmoil as in, let's say COVID aa gaya, let's say Russia-Ukraine war, let's say 2008 crisis. All these things actually spike up the correlation. That means, let's say two stocks have a correlation of, let's say 0.2. When there is a market turmoil, the correlation spikes up. That means 0.2 correlation becomes, let's say 0.5, 0.6. Means sab kuch hi girta hai. Jab bahut hi kharab halat hoti hai, everything falls. So correlation spike up ho jate hai and diversification ka utna benefit nahi milta. That means to say ki jab diversification kar rahe hain, ye sochte hain ki acha chalo ek niche jayega, upar jayega, hum bach jayenge. But actual benefit hame kab chahiye hota hai diversification ka? Jab market turmoil hota hai. Aur market turmoil ke time jo कोरिलेशन होता है वो स्पाइक अप कर जाता है, तो उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना इनिशियली वी थिंक, राइट. अगली बात आती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में तीन स्टेप्स होते हैं, दैट इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक. यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर किसके अंदर क्या चीजें हैं. दीज आर वेरी लॉजिकल, सो याद करने की जरूरत नहीं, बट यू शुड नो इन माइंड. प्लानिंग का मतलब होता है, सबसे पहले हम जब भी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं, थिंक योर सेल्फ एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, यू आर मैनेजिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ फंड. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्लाइंट को अंडरस्टैंड करेंगे. क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक IPS बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट दिए होते हैं, O&C. ऑब्जेक्टिव क्या वो चाहता है, कंस्ट्रेंट विद इन दीज लिमिट्स क्या वो चाहता है, क्या वो चाहता है, रिस्क और रिटर्न. रिस्क की वजह से रिटर्न मिलता है या रिटर्न की वजह से रिस्क मिलता है. मैं ये बोलूंगा कि मुझे इतनी रिटर्न चाहिए, या मैं ये बोलूंगा मैं इतनी रिस्क ले सकता हूं, एंड अकॉर्डिंग टू रिस्क हमें रिटर्न मिलता है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिस्क ऑब्जेक्टिव का मतलब कितना आप रिस्क को टॉलरेट कर सकते हो. रिस्क टॉलरेट कैसे कर सकते हैं, दो चीजें होती है, एक होता है औकात और एक होती है हिम्मत. मेरी औकात है करोड़ों की, लेकिन हिम्मत है यार 1,000-2,000 रुपये भी चले जाते हैं ना, बहुत साइकोलॉजिकली हर्ट होता है. दैट मीन्स यू हैव द एबिलिटी बट यू डोंट हैव द विलिंगनेस. एक पर्सन जो बहुत गैम्बलिंग करता है कहता मैं तो पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एबिलिटी ही नहीं है, मतलब सिचुएशन ही नहीं है, इतने पैसे ही नहीं है उस पर्सन के पास. तो एबिलिटी और विलिंगनेस में से जो लोअर आता है, मेरी एबिलिटी है 100 करोड़ की, लेकिन मैं खो इन द सेंस कि मैं रिस्क सिर्फ 10 करोड़ का ले सकता हूँ. सो लोअर ऑफ 100 और 10, हमें 10 करोड़ का हमें करना चाहिए. सो लोअर वाले पे हमें काम करना चाहिए. रिटर्न ऑब्जेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क, हम फिर रिटर्न की बात करते हैं. अगर रिस्क लो है तो रिटर्न भी लो होगी, दैट्स अ थिंग. क्यों ऐसा होता है आगे जाके हम बात करेंगे, अदरवाइज देर विल बी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, जो कि फर्दर शायद इस चैप्टर में होगा या फिर इक्विटी चैप्टर के अंदर फर्दर एलैबोरेटेड होगा. कंस्ट्रेंट्स के अंदर होता है टाइम होराइजन. अगर मेरी टाइम होराइजन लो है, शॉर्ट है, मुझे 2 साल में पैसा चाहिए, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता. टैक्स, क्लाइंट हाई टैक्स ब्रैकेट में आता है तो टैक्स एग्जेम्प्ट सिक्योरिटीज़ में डालना चाहिए पैसा. लिक्विडिटी, क्लाइंट चाहता है कि मुझे रेगुलरली मुझे पैसा चाहिए, तो इलिक्विड स्टॉक्स में, इलिक्विड काउंटर्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि रियल इस्टेट्स में नहीं लगाना चाहिए. लीगल, कुछ फर्म्स होती हैं उनको अलाउड नहीं होता पर्टिकुलर स्टॉक्स में, पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए, तो लीगैलिटी चेक करनी होती है. दीज आर समथिंग जो कि इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक होती है, इंडिविजुअल्स को लेके नहीं होती. यूनिक, क्लाइंट कहता है मुझे ना ESG नॉर्म्स को फॉलो करना है, मैं कोई भी सिगरेट वाली कंपनी में, कोई भी बियर वाइन ये सब वाली कंपनीज में पैसा नहीं लगाना चाहता. तो दैट समथिंग जो कि वो खुद कहता है कि मुझे ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना. और क्या क्या होता है IPS के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर ये बताएगा एक बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी. मैं मिड कैप में पैसा लगाता हूँ, मैं स्मॉल कैप में पैसा लगाता हूँ, मिड कैप वाले के परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स से होगी, स्मॉल कैप वाले की स्मॉल कैप से होगी, लार्ज कैप वाले की निफ्टी से होगी या सेंसेक्स से होगी. तो अकॉर्डिंगली आपको एक बेंचमार्क डिफाइन करना होता है, डिपेंडिंग आप किस तरह का प्लान बना रहे हो, एंड ऑल्सो पीरियोडिसिटी ऑफ परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, कितने कितने टाइम में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कैसे आप मेजर करोगे. IPS हैज़ टू बी रिव्यूड
पीरियोडिकली एज वेल एज इन बिटवीन इफ देर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इन्वेस्टर सर्कमस्टांसेस. अब इन्वेस्टर की इनमें से विलिंगनेस एबिलिटी चेंज हो गई, उसका इनमें से कुछ चेंज हो गया, तो अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो को चर्न करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, राइट. द ओ एंड सी ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स आर रिमेंबर्ड बाय द एक्रोनिम RRTTLLU. तो ये एक्रोनिम से आप याद कर सकते हैं. हमारा पहला फेज था प्लानिंग, प्लानिंग हो गई, क्या क्या करना है बता दिया, ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट. अब एग्जीक्यूशन की बारी आती है. एग्जीक्यूशन में होता है एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन प्लानिंग नहीं होता, हमारा प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, बेस्ड ऑन दैट प्लान वी आर एलोकेटिंग आर एसेट्स. डिविजन ऑफ एंटायर एसेट्स, एंटायर कॉर्पस इंटू ब्रॉड एसेट क्लासेस. ब्रॉड एसेट क्लासेस मतलब कि आप इक्विटी में डालोगे, डेट में डालोगे, रियल एस्टेट में डालोगे, थोड़ा कितना कैश रखोगे, अबाउट ऑल दिस थिंग. इसे स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन भी कहते हैं, पॉलिसी एलोकेशन भी कहते हैं, टारगेट एसेट एलोकेशन भी कहते हैं. इसमें हमें दो तरह के डेटा को चाहिए होता है, एक होता है क्लाइंट की प्रोफाइल जो कि हमने देखा RRTTLLU, और दूसरा लॉन्ग टर्म CME. लॉन्ग टर्म CME की बाद हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म CME क्या होता है. इन शॉर्ट कह सकते हैं फोरकास्ट ऑल एसेट क्लासेस, कि मैं कि किस एसेट क्लास की कितनी रिटर्न एक्सपेक्टेड है, काइंड ऑफ हम वो निकालने की कोशिश करते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो की सक्सेस में. आप अच्छा स्टॉक पिक करते हो या नहीं करते, दैट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू 6% सक्सेस. लेकिन आपने एसेट क्लास अच्छी चूज कर ली, लेट से कोविड का फॉल आने वाला है या रशिया की वजह से फॉल आने वाला है या इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे, गोल्ड बेटर परफॉर्म करेंगे. एंड इफ़ यू फॉलो मी ऑन ट्विटर, मैंने ट्विटर पे October 2021 में लास्ट ईयर मैंने ये बोला था कि अक्टूबर एंड इज द टाइम राइट नाउ यू शुड सेल निफ्टी एंड यू शुड बाय गोल्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था गोल्ड बढ़ने वाला है. एंड तब से लेके अब तक आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी वहाँ से अराउंड 14-15% बढ़ गया है एंड गोल्ड वहाँ से 20-22% बढ़ गया. सो दैट मीन्स दिस वॉज अ थिंग विच आई थॉट. कैसे सोचा, दिस वेरी लॉजिकल कि हाँ अब लोग स्टॉक्स को सेल करेंगे एंड अपना पैसा सेव करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म CME एक प्रेडिक्शन करनी होती है कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं. एंड अगर मैंने स्टॉक्स में मैंने बेस्ट स्टॉक्स पिक भी कर लिया होगा, अगर पूरी मार्केट ही डाउन है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अगर मैंने कमोडिटीज़ में अगर एक बेकार कमोडिटी में भी पैसा डाल दिया, लेकिन मेरी एसेट क्लास कमोडिटीज़ आर फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, कमोडिटी स्टॉक्स बढ़ेंगे जनरली, उस केस में क्या हुआ, मैंने अगर गलत भी कमोडिटी में पैसा डाल लिया होता तो भी वो बढ़ जाता. दैट मीन्स एसेट एलोकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैट सिक्योरिटी सिलेक्शन. आपने देख लिया मुझे स्टॉक्स में पैसा डालना है इतना परसेंट, रियल एस्टेट में इतना डालना है. अब स्टॉक्स में किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, दैट्स नोन एज सिक्योरिटी सिलेक्शन. से 20% इन इक्विटी, हेयर वी डिवाइड ऑल अबाउट सेक्टर एलोकेशन. अब इक्विटी में हम देखेंगे सेक्टर, IT में कितना डालना है, बैंक्स में कितना डालना है, ऑटो में कितना डालना है, फार्मा में कितना डालना है, एंड इंडिविजुअल सिक्योरिटीज और हर सेक्टर के अंदर. अच्छा, IT के अंदर TCS, विप्रो, किस में डालना है पैसा. वन कैरीज आउट आईदर टॉप डाउन एनालिसिस EIC और बॉटम अप एनालिसिस CII. ये हमने इक्विटी के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं. ये लेस इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एसेट क्लास की प्रेडिक्शन करनी आनी चाहिए रादर देन कि उस एसेट में कौन सा स्टॉक बढ़िया चलेगा. स्टॉक बढ़िया आपने चूज नहीं भी किया लेकिन एसेट क्लास ही अंडर परफॉर्म करी, उस केस में तो बहुत बेवकूफ़ी की ना आपने. नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. अब आपने चूज कर लिया किस किस एसेट क्लास में कितना, उसके अंदर किस में सेक्टर में कितना, किस स्टॉक में कितना. अब आती है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, बाइंग एसेट्स. अब एक्चुअल में हम बाय प्रेस करते हैं बटन, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, फोकसिंग ऑन मिनिमाइजिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट मतलब ब्रोकरेज टैक्स, बिडा स्प्रेड. इम्प्लिसिट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्पैक्ट कॉस्ट. मैंने बोला बाय ऑर्डर डाल देता हूँ आराम से आ जाएगा और शेयर ही भाग गया, दैट्स नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मैंने कहा यार शेयर भाग सकते हैं, कभी भी काम करता हूँ मार्केट ऑर्डर बाय कर लेता हूँ. मैंने मार्केट ऑर्डर बाय लगाया, शेयर ही ऊपर इतना भाग गया, मेरे को महंगा शेयर मिला. तो इन दो कॉस्ट को मिनिमाइज करना. एंड ऑन रिस्क मैनेजमेंट, कि हम बहुत पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाते, दैट्स रिस्क मैनेजमेंट. पोजिशन साइजिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बेसिकली मनी मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इंश्योर दैट रिस्क रिमेन विद इन द टॉलरेंस लेवल, जो IPS के अंदर था RRTTLLU, रिस्क एंड रिटर्न. तो रिस्क को मेंटेन करते हुए सारी चीजें करेंगे. अगला आता है फीडबैक. हमने सबसे पहले किया प्लानिंग, फिर हमने किया एग्जीक्यूशन, लास्ट हम कर रहे हैं फीडबैक. फीडबैक में क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. अब सब कुछ कर लिया, एसेट में पैसा डाल दिया, एक साल हो गया, अब करेंगे परफॉर्मेंस, जो सोचा था क्या वैसा हुआ या नहीं हुआ.
कंपेयर परफॉर्मेंस विद बेंचमार्क, बेंचमार्क याद है शुरू में हमने निफ्टी ली थी, सेंसेक्स ली थी, मिड कैप लिया था, स्मॉल कैप लिया था, उससे कंपेयर करना। वी ऑल्सो अप्लाई अप्रेजल क्राइटेरिया लाइक शार्प रेशियो। शार्प रेशियो नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम इसको इस आने वाले सेशन में हम करेंगे। बेसिकली ये बताता क्या है, रिस्क सॉरी रिटर्न पर रिस्क, कि आपने कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न कमाया, हायर द बेटर जनरली। मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग, अब आपने पैसा लगा दिया, आपने देख भी लिया, अब करना क्या है। मैंने बोला मैं निफ्टी को बीट करूंगा, निफ्टी के रिटर्न लेट से आई 15% और मैंने पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म किया लेट से बाय 5%, तो मेरी एक्चुअल रिटर्न आई 20%। अब 5% में किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, किस वजह से नीचे आई, किस वजह से ज़्यादा आई, क्या पता एक्चुअल में 7% आनी थी, 2% किसी की वजह से कम होगी। सो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, मॉनिटर करना, रीबैलेंस करना। मॉनिटर क्या चीज़, क्लाइंट को मॉनिटर करना कि क्लाइंट के सर्कमस्टेंसेस तो नहीं चेंज होगी, मुझे चेंज करना पड़ेगा। CME, जो मेरी एसेट क्लासेस को लेके प्रेडिक्शन थी, क्या वो प्रेडिक्शन चेंज तो नहीं होगी। जैसे गोल्ड को लेके मेरा जो ट्रेड था, मैंने मार्च या अप्रैल के अंदर मैंने अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया, मुझे लगा आई थिंक अब और इसमें नहीं रहता, कि अब मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी चेंज होगी, अब मुझे लगता है इक्विटी में अब डाल सकते हैं पैसा। देन पोर्टफोलियो को लेके, पोर्टफोलियो कितना चर्न करना है अकॉर्डिंगली रीबैलेंस द पोर्टफोलियो सच दैट पोर्टफोलियो हमेशा IPS के अंडर ही रहे, राइट। ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लिखे हुए हैं। फ्रॉम अ रिस्क एंड रिटर्न परस्पेक्टिव, सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी में होती है, फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में होती है, फिर फिक्स्ड इनकम के अंदर होती है। पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ टू इन कंसल्टेशन विद द क्लाइंट द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब उसे बोलना होगा कि मुझे एक एक्टिव स्ट्रैटेजी चाहिए या पैसिव चाहिए। एक्टिव मतलब बार बार बाय सेल करेगा, या फिर एक लॉन्ग टर्म की तरह पैसे डाल दिए आराम से, 4 साल 5 साल 10 साल बाद उसमें कुछ छेड़खानी करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कैसे डिपेंड करेगा, दिस चॉइस डिपेंड्स ऑन मार्केट्स आर सिग्निफिकेंटली इनएफिशिएंट, मार्केट्स में अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन होती रहती है, तो उस केस में एक्टिव करना चाहिए। और क्लाइंट और पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजमेंट जानते हैं कि यार, मतलब क्लाइंट को भरोसा है यार ये मैनेजर ना इसमें कोई तो बात है, उस केस में एक्टिव यूज करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन में इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी बिकॉज इट में रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट विच हैज गॉन अप टू बी सोल्ड एंड पुट इट इनटू अनदर। अगर आप ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लोगे, आपने 10 स्टॉक्स में डाल दिए, अगर आपने एक स्टॉक में डाला है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, चीजें हो रही है, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, तो उसमें कोई टैक्स का बेनिफिट, तो कोई टैक्स की चीज नहीं आनी थी। लेकिन आपने 10 स्टॉक्स में डाला, उनमें से एक प्रॉफिट आया, आपने बुक किया, लॉस वाले बुक नहीं कर रहे, प्रॉफिट वाले काइंड ऑफ बुक कर रहे हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट हाउ इट इज डन, बट कि टैक्स की लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है विद ओवर डाइवर्सिफिकेशन। IPS ऑल्सो लेज डाउन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर कस्टोडियन क्लाइंट, कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट डज नॉट कंटेन मैनेजर्स कॉम्पनसेशन। IPS के अंदर क्लाइंट की सारी बातें होती हैं कि मैनेजर क्या रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ है, लेकिन IPS के अंदर ये नहीं लिखा होता कि मैनेजर को कितनी कॉम्पनसेशन, कितनी सैलरी, कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। अगली बात आती है रिटर्न ऑब्जेक्टिव की। रिटर्न दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब मैंने 22% रिटर्न कमाया, दूसरा होता है रिलेटिव, मैंने सेंसेक्स से 5% एक्स्ट्रा कमाया इन कंपैरिजन टू अनदर, दैट इज नोन एज रिलेटिव। विद दैट आई थिंक वी शुड एंड टुडेज सेशन, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।